ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਏਵਨ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕੰਬ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ GK ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
कि इस दा नारको टेस्ट होना चाहिए ता कि दुध दा दुध ते पानी दा पानी जरूर होवे। जी के साहब होरां ने की कहा सुनो। मेरे को एक लिफाफा मेरे घर शनिवार नू दुपहरे कोई सज्जन दे के जांदा है, जदो मैं घर जांदा मैं लिफाफा खोलदा मेरे गार्ड नू दे के जांदा है, एदे विचों एक स्क्रिप्ट नजर आंदी है, इस स्क्रिप्ट दे विच बड़ा कुछ निकलदा है, एक पेन ड्राइव एदे विच हुंदी है, एदे विच जगदीश टाइटर मंदा पिया है, वह कह रहा है कि मैं 100 सिखां दा कतल करवाया, इंक्वायरी हो रही है, एदे च मंदा पिया है कि मैं 150 करोड़ रुपया कैश मेरे दोस्त मेरे मार गए ने जेड़े पानी की रेहड़ी किसी वक्त लगाते सके, मैं उन्होंने कुछ नहीं कहता पाया। वो मनता पाया 2011 कि मनु राज्यसभा या मनु दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, मनु नहीं ये समझ आ रही कि दिल्ली का मुख्यमंत्री या दिल्ली की राज्यसभा उसको 2009 टिकट कटी जा रही क्यों दे रहे हो, ये कौन दे रहा है, ये गांधी परिवार दे रहा है कि साढ़े राजनाथ उगली, ये जुडिशरी की गल कर रहा है कि मैं चीफ जस्टिस ना गल कर रहा, मैं 2 जज लगवाए ने जुडिशरी च मेरा इन्फ्लुएंस है, ये जजा दे कोल जे 84 दे केस गए ने उन्हां दा की बनिया, ये इन्वेस्टिगेशन दा मामला है। मैं ऑलरेडी लैटर लिखी है प्रधानमंत्री नूं भी और मैं CBI नूं भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नूं भी, दिल्ली पुलिस नूं, LG नूं, रिजर्व बैंक नूं, ED नूं, सब नूं लैटर लिखी है कि इमीजिएट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस नूं अरेस्ट करना चाहिए और इसका नारको टेस्ट होना चाहिए। अगर यह हालत रहेगी इस मुल्क के उत्ते किसी नूं विश्वास नहीं रहेगा, यह मुल्क की विश्वनाति क्रेडिबिलिटी की गल हो गई है हुण। बिल्कुल जी, ये तो सचमुच बहुत वड्डा खुलासा है और 1984 तो लैके हुण तक ये सारे मतलब जो सिख परिवार ने जो आम आवाम है वह भी चाहती है कि मतलब जो सही इंसान ने उन्हां नूं इंसाफ मिले और जो गलत ने जिन्हां ने गलत किया है उन्हां नूं एहो जी सज़ा मिलनी चाहिए है कि जिस दियां पुश्तां भी उस सज़ा नूं याद। प्रोग्राम दे अंत विच दोस्तों कमेंट करिया करो, कमेंट चंगी भाषा च करिया करो, वलगर भाषा का इस्तेमाल ना करिया करो। जेकर तुहाडे कोल भी कोई खबर है उसकी पुख्ता जानकारी है तो प्लीज़ तुसीं मेल कर सकते हो khariankhariaan@gmail.com और जेकर संपर्क करना चाहते हो तो 6280-3837-29 से भी कर सकते हो और एवन पंजाबी तो एवन न्यूज़ नूं सबसक्राइब करो ताकि तुसीं हर अपडेट नाल जुड़ सको। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सबसक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एवन पंजाबी दा सारे दर्शकों नूं देश विदेश दीआं संगतां नूं तोहफा। एवन पंजाबी उत्ते कोई भी धार्मिक समागम या पेंडू खेडां लाइव करवा सकते हो सिर्फ 15,000 रुपए विच। जी हाँ, सिर्फ 15,000 रुपए विच तुहानू मल्टी सेटअप दे नाल मिक्सर दे नाल मिलेगा वर्ल्ड वाइड लाइव ऑन एवन पंजाबी TV। तो फिर इंतजार किस चीज का है, जेकर तुसी भी करवाना चाहते हो कोई भी धार्मिक समागम या रवायती खेडां दा सीधा प्रसारण एवन पंजाबी ते, तां संपर्क कर सकते हो इन्हां नंबरां ते।